पूजा आरंभ हो चुकी है। सविता समुद्र विश्व देवा पंच जना आदितर जातम आदितर पिताभ्यो नमः ओम वास्तु देवताभ्यो नमः सर्वाभ्यो देवीभ्यो नमः चित्ते बुद्धे सहिताय श्रीमन महात् एतत् कर्मधार देवता रावणेश्वर बाबा वैद्यनाथाय सम्भ ओम शमकस्य एकदन्तस्य कपिलो वैयकर्णकः बोलिए बाबा वैद्यनाथ की मैया पार्वती की हर हर महादेव। दुमका प्रवेश द्वार पर राज के श्रवणी मेला के उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मंत्री परिषद के सहयोगी मंत्रीगण श्री सीपी सिंह जी, श्री राज परिवार जी, श्री रणधीर सिंह जी और इस क्षेत्र के विकास के प्रति समर्पित लोकप्रिय सांसद श्री निशिकांत दुबे जी, माननीय विधायक श्री नारायण दास जी, देवघर नगर निगम के उप महापौर श्रीमती नेतू देवी जी, नगर विकास के प्रधान सचिव श्री अरुण कुमार सिंह जी, संथाल प्रगना के आयुक्त डॉक्टर प्रदीप कुमार, पंडा धर्म रक्षणी सभा के अध्यक्ष श्री सुरेश भरद्वाज जी एवं महामंत्री श्री कार्तिक नाथ ठाकुर जी, नगर परिषद के अध्यक्ष श्री संजय यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री दिवाकर गुप्ता जी, डीआईजी, डीसी, एसपी एवं प्रशासन के हमारे सभी अन्य अधिकारीगण, पदाधिकारीगण, कर्मचारीगण, विभिन्न प्रांतों से आए बाबा भोलेनाथ के श्रद्धालु भाइयों, बहनों और मीडिया के साथियों, इच्छा थी कि हमारे मंत्रीगण और इस क्षेत्र के सांसद और विधायकगण भी आप सबों के समक्ष अपनी बात रखें। भोलेनाथ की नगरी देवघर में आज श्रवणी मेले की विधिवत शुरुआत की गई है और आज का दिन गुरु पूर्णिमा का भी दिन है। तीन दोनों अवसर पर मैं देवघर के साथ साथ समस्त झारखंड की जनता और भगवान शिव के प्रति समर्पित देवतुल सभी श्रद्धालुओं और गुरु पे आस्था रखने वाले समस्त देशवासियों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इस मेला की मंजिल बाबा वैद्यनाथ से प्रसिद्ध तीर्थस्थल देवघर जिला बम भोले शिव नगरी है। रवनेश्वर वैद्यनाथ लिंग द्वादश ज्योतिर्लिंग में एक प्रमुख लिंग है जहां सबों की मनोकामना पूर्ण होती है और जहां हमारे श्रद्धालु सुल्तानगंज से जल लेकर और भगवान शिव पे जल अर्पण कर आराधना कर अपनी मनोकामना की प्राप्ति को प्राप्त होते हैं। मैं भी 1885 से लेकर 1992 तक जमशेदपुर से सुल्तानगंज पैदल चलकर 7 बार मैं इस जल अभिषेक बाबा भोलेनाथ के पास अर्पित की है और मैं मानता हूं कि उसी की कृपा से एक गरीब मजदूर परिवार का इस राज्य का मुख्य सेवक देने का दायित्व बाबा भोलेनाथ ने हमें दी है।
और इसीलिए मेरा सत्ता एक सेवा का माध्यम है, सत्ता भोग का साधन नहीं है। और इस सार्वनी मेला में जो मैंने अनुभव किया 7 वर्ष के अंदर, जब हम कांवरिया लेकर आते थे तो उसे सार्वनी मेला में ना कोई अमीर ना कोई गरीब ना कोई ऊंचा ना कोई नीचा, सब बराबर। यानी ये सार्वनी मेला सामाजिक एकता, जात पात से ऊपर उठकर हम सब एक जन है, हम सब भारत माता की संतान है, ये सार्वनी मेला हमें संदेश देता। हम सार्वनी मेला के अंदर जब कांवर लेके आते थे तो एक दूसरे का, आप किसी प्रांत किसी देश के हो, लेकिन एक दूसरे का सहयोग उस मेला के दरमियान जगह जगह अगर आप कांवर लेके आओगे तो ये बात को आपने अनुभव किया होगा। हम आने वाले समय में ये बाबा बोलबम, वो जो बैजनाथ धाम, इसको एक एक अध्यात्म, एक धार्मिक पर्यटक टूरिस्ट हमें से एक स्ट्रीट बनाएंगे, एक सर्किट बनाएंगे, जिसमें मालूटी मंदिर से होते हुए बासुकीनाथ और बैद्यनाथ धाम, जहां अधिक से अधिक अध्यात्म टूरिज्म आए और इस मेला को आने वाले वर्षों में हम कैसे और बेहतर कर सके। ये जो बाबा बैद्यनाथ धाम में जो सुविधाएं, जो उपायुक्त ने आपको बताने का काम किया, हर वर्ष आप देखेंगे और कैसे हम इसको अत्याधुनिक अध्यात्म केंद्र बनाए, इस दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है। हमारी सरकार की सोच है कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाबा बैद्यनाथ धाम एक अध्यात्म टूरिस्ट पैलेस बने, जहां अध्यात्म के साथ साथ मेला के माध्यम से लोग मनोरंजन भी करें, देश दुनिया के लोग इस झारखंड में सिर्फ देवघर में आराधना के साथ साथ जो प्राकृतिक छटाएं हैं इसके आसपास, उस प्राकृतिक छटाएं का भी अनुभव ले, इस सोच के साथ हमारी सरकार काम कर रही है। मैं आज के इस अवसर पर जो देवतुल, मैं भगवान के बाद दूसरा भगवान जनता को मानता हूं, और ये जो श्रद्धालु जनता को जो सेवा में, जो हमारे समस्त देवघर वासी, राज्य के विभिन्न प्रांतों से हमारे समाज सेवी दिन रात एक करके लगे हुए थे, मैं उनको भी हृदय से आभार प्रकट करता हूं। साथ ही साथ मैं प्रशासन के तमाम बड़े छोटे अधिकारियों को भी बधाई देना चाहता हूं, जो एक महीना पूरी ईमानदारी से ये भगवान रूपी आराध्य जनता की सेवा में दिन रात लगे रहते हैं। वैसे तमाम पदाधिकारी अधिकारी कर्मचारी को भी मैं बधाई देना चाहता हूं। साथ ही साथ प्रशासन के द्वारा आपको ढेर सारी सुविधाएं सरकार के द्वारा देने की कोशिश की गई है, फिर भी अगर कोई कमी रही तो मैं आपको से अनुरोध करता हूं कि आप सीधे अपनी समस्या मुझ पर बता सकते हैं। इसके लिए आपको मुख्यमंत्री के फेसबुक पेज या ट्विटर पर अपनी शिकायत आप लिखकर भेज सकते हैं, 12 घंटे के अंदर जो आपकी समस्या का समाधान हमारा जिला प्रशासन सरकार आपको कराएगी, और आपको सूचना भी दे दी जाएगी कि आपने जो शिकायत की थी उस समस्या का समाधान हमने कर दिया, ताकि निर्विराध रूप से निर्विघ्न होकर हमारे जो श्रद्धालु देश विदेश से आएंगे उसको किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। हमारी सरकार अपने इस भगवान रूपी आराध्य श्रद्धालुओं पर रेड कॉर्पोरेट बिछाकर हम उसकी सेवा करना चाहते हैं। इसलिए मैं आप सबसे भी, देवघर वासियों से भी अनुरोध करूंगा कि आपको साल भर में एक बार सेवा करने का मौका मिलता है,
आप तो लगातार सेवा करते रहते हैं क्योंकि सालों भर यहाँ हमारे श्रद्धालु आते हैं ये, लेकिन सावन का महीना, जुलाई और अगस्त का महीना और किसी जिलों को सेवा करने का मौका नहीं मिलता, ये देवघर के वासियों को सेवा करने का मौका मिलता। तो मैं देवघर के वासियों, खासकर नौजवान नवयुवक से अपील करना चाहता हूं कि जो हमारी संस्कृति है सेवा, धर्म भी हमें सिखाता है सेवा करना, तो आप हमारे कांवरियों को भी कोई तकलीफ ना हो, ये देवघर की जनता सामाजिक संस्था भी ये संकल्प आज के दिन ले। हमारी कोशिश होगी कि शासन प्रशासन के द्वारा आपको किसी प्रकार तकलीफ ना हो, फिर भी कहीं कोई तकलीफ होगी तो आप सीधे हमसे कॉन्टेक्ट करके हम आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। हमारी सरकार की पूरी कोशिश है कि आपको हर तरह से सुविधा मिले, और जिस उद्देश्य से आप बाबा बैजनाथ धाम इतनी 150 किलोमीटर तकलीफ करके आप अपनी मनोकामना को प्राप्त करने के लिए आते हैं, तो मैं भगवान शिव से आराधना करते हुए समस्त श्रद्धालुओं के लिए, समस्त झारखंड वासियों की मनोकामना भगवान शिव पूरा करे, यही बात कह के मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।